दोस्तों, क्या आपको पता है ये वायर कटर में ये वाला स्क्रू किस काम का आता है और प्लस में ये वाला सेक्शन किस काम का आता है? अगर आपको पता नहीं है तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये वायर कटर है जिसमें ये वाला या भी स्क्रू आता है, ये किस काम के लिए आता है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, ये वायर कटर है जिसमें अपन वायर की ऐसे कटिंग करते हैं। दोस्तों ये देखिए, इस तरह अपन वायर की कटिंग करते हैं कि ऊपर से पॉलिश भी हटाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला स्क्रू किस काम का आता है जिसमें मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे जैसे कि मैं इस तरह ये दबाऊंगा तो ये पूरा ऐसा होता है। देखिए इस तरह ये इस दोनों के बीच में वायर आता है। देखिए इस तरह, अगर इस वायर को मैं इस तरह इसके ऊपर का पॉलिश हटाऊंगा तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह इसे प्रेस करूँगा, दबाऊँगा, देखिए दोस्तों ये इस तरह कट जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं होती, इन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं रहती है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह, तो यह इस स्क्रू का काम रहता है। इस तरह अपन इसको खोलेंगे, थोड़ा ये लूज करेंगे, फिर ये आगे पीछे इस तरह होता रहता है। अपने को जहाँ पे फिक्स करना है इस तरह आप फिक्स कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह मैं जैसे कि यहाँ पे इस तरह फिक्स करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आज बताता हूँ इस तरह इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और इस तरह मैं दबाऊंगा तो देखिए इस कटर के बीच में जो है इतना सा छेद पड़ गया है जिसमें वायर आएगा और वायर के ऊपर का पॉलिश कट जाएगा और वायर को कोई भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा वायर का। अब ये इतना देखिए छोटा सा छेद दिख रहा है इसके अंदर, इसके अंदर वायर कटिंग हो सकती है आसानी से। देखिए मैं इस तरह आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस तरह आप ये कटर इस तरह वायर सिल सकते हैं आप आसानी से, और यहाँ से आप वायर भी कटिंग कर सकते हैं इस तरह। देखिए दोस्तों, इस तरह वायर यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं वायर, और यह इस बीच वाले सेक्शन से यहाँ से बीच वाले वॉल से आपको ये वायर भी सिल सकते हैं इस तरह। देखिए दोस्तों, तो ये स्क्रू बहुत काम का आता है, जहाँ से आपको जिस साइज का आपको ये छेद रखना है तो इस तरह आप रख सकते हैं। और यह प्लायर में ये वाला सेक्शन किस काम का आता है वो भी आज मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास में ये कैसी कील है, जो कि यह कील है तो अपन इससे तो काट नहीं सकते। देखिए दोस्तों, इस तरह तो मैं काटूँगा नहीं, बहुत मेहनत के बाद भी नहीं कट जाती है। तो आपको यह यहाँ पे जैसे कोई वगैरह कील है तो आप यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो इस तरह आप इस पे लगाएंगे और ऐसा प्रेस करेंगे तो ये टूटेगी। देखिए इस तरह करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये टूट गई, ये कील टूट गई है। देखिए दोस्तों, तो इस तरह ये काम का आता है। अगर आपको पता था नहीं था तो वीडियो का लाइक कर दीजिए। इस तरह देखिए दोस्तों, इस तरह, और मैं एक बार वापस बताता हूँ। तो ये इस तरह काम का आता है। देखिए दोस्तों, इस तरह वापस में, तो देखिए दोस्तों, इस तरह ये काम का आता है जिससे ये टूट जाता है। हार्ड वगैरह हो, कोई हार्ड किल वगैरह हो तो इससे टूट जाती है, क्योंकि ऐसे नहीं टूटती, हार्ड किल होती है तो भाई ऐसे टूट जाती है, जिसलिए ये प्लास के ऊपर चाहे ऊपर या पे ऐसा सेक्शन आता है जिसकी वजह से अपन किल वगैरह आप तो काट सकते हो। और ये भी स्क्रू यहाँ से आगे पीछे करके आप इस जितनी साइज रखनी हो अपने को वायर कटिंग के लिए, तो ये आप इतनी कर सकते हो, कटिंग रख सकते हो दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।